दक्षिण जिले के स्पेशल स्टाफ ने मेवात के एक ऐसे गिरोह के दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम में उंगली फंसाकर उसे खराब कर देते थे और उसके बाद क्लेम कर बैंक से पैसे ले लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो स्वचालित देसी पिस्टल, 315 बोर का एक कारतूस, 12 बोर के दो कारतूस, कार और 15 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। बता दें, दक्षिण जिला डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर के अनुसार स्पेशल स्टाफ में तैनात एक पुलिसकर्मी को 10 अगस्त को सूचना मिली कि धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे निकालने वाले मेवात के गिरोह के दो लोग महरौली आएंगे, उनके पास अवैध हथियार भी होंगे। स्पेशल स्टाफ प्रभारी अतुल त्यागी की टीम ने घेराबंदी कर नूह मेवात के गांव घासेड़ा के मोहल्ला होली चौक निवासी मोहम्मद नदीम और नूह के गांव पड़कली निवासी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी अपने गांव व आसपास के इलाके के लोगों का बैंक खाता खुलवाते थे। इसके बाद 15,000 से 20,000 रुपये देकर उनसे बैंक खाते की किट खरीद लेते थे। एटीएम कार्ड से ऐसे एटीएम से पैसे निकाले जाते थे जिसमें पैसे जमा होते थे। ये पहले 20,000 रुपये जमा कर देते थे, फिर से एटीएम कार्ड से पैसे निकालते थे। पैसा निकालते समय जैसे ही नोट ऊपर आते थे तो ये मशीन में उंगली फंसा देते थे। कुछ देर उंगली फंसाने पर मशीन खराब हो जाती थी। ये एटीएम से निकले पैसे भी ले लेते थे और फिर बैंक के कस्टमर केयर को फोन कर देते थे। उनके पैसे निकलते नहीं जबकि खाते से पैसे कट जाते हैं। मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होने पर पैसे निकलने का कोई रिकॉर्ड नहीं आता था। बैंक इनको क्लेम किए हुए पैसे दे देते थे। आपको बता दें कि मेवात के गांव घासेड़ा के मोहल्ला होली चौक निवासी मोहम्मद नदीम और नूह के गांव बड़कली निवासी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।